बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों, माताओं, बहनों और बहुजन समाज के सोशल मीडिया के जन को मैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझसे पहले दो लोगों ने गाने गए, एक हमारी बहन उन्होंने गाना गाया, एक मेरे यौनजान साथ ने गाना गाया और दोनों लोगों ने कह दिया ये मिशन पीछे नहीं आगे बढ़ेगा, कोई कितनी ताकत लगा ले, जो पहलू पे समाज जब पैदा हो गए उनको समाज माफ नहीं करेगा। और बाबा साहब ने कहा था अपने वोटों को मेरे बच्चों बांटना नहीं, अगर अपने वोटों को बांट दोगे तो इस देश में गुलामी बन जाओ, गुलाम बन जाओगे। और मेरे साथियों, ये बहुजनों का कारवा है, बहुजन समाज पार्टी बाद में है, मिशन और मोहन पहले है। साथी, आप सबको पता है माननीय श्री कांसी राम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और कह दिया कि बाबा साहब के रूपरेखे कार्य को, बाबा साहब की मंजिल को ये बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आकर के पूरा करेगी। और उसके बाद से आज तक साथियों बहुजन समाज पार्टी अथक प्रयास कर रही है और आप सबके नजर में भी है कि उत्तर प्रदेश में मारिया बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब के रुकवे कार्य को ही पूरा किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुजन समाज के लोगों को भागीदारी मिली, बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान इस देश में मिला। आप सबको पता, मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन मैं आपको आगाह भी करना चाहता हूं, जब बहुजन समाज पार्टी की आज ताकत पूरे देश में बढ़ रही है और कहा आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कहा आपने भी दक्षिण की भी ताकत देख ली, सर दक्षिण की भी ताकत देखी है। साथियों, उत्तर से लेकर दक्षिण, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक बहुजन समाज पार्टी का राज आने वाला है साथियों। और इसके लिए साथी मैं आपसे कहना चाहता हूं 2022 से लेकर के 2025 ये बहुजन समाज के लोगों का महासंग्राम होने वाला है, ये सत्ता का महासंग्राम है साथियों। अगर आप ये सत्ता का महासंग्राम जीत गए तो आने वाली जनरेशन आपके देश में राज करेंगी, इस देश में मान सम्मान के साथ में रहेंगी। अगर आप इस सत्ता का महासंग्राम हार गए तो आप समझ लीजिएगा आपका बच्चा आपके सामने क्वेश्चन करेगा 10 साल बाद कि डैडी, पिताजी, बाबा साहब ने संघर्ष किया, महापुरुषों ने संघर्ष किया, मानवर साहब ने संघर्ष किया और मानिया बहन जी ने संघर्ष किया, तो आप तो इंजीनियर बन गए, आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो बिजनेसमैन बन गए, आप तो कॉन्ट्रैक्टर बन गए, लेकिन डैडी आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर आपने संघर्ष किया होता तो कम से कम हम गुलाम नहीं बनते सर। और उस वक्त आपकी आंखों में सिर्फ पछतावा और आंसू के सिवा कुछ नहीं होगा। मारिया बहन जी हम लोगों से कहती है आप जो काम कर रहे हैं मिशन मोमेंट में, या आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, या आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप जो आज पौधा लगाएंगे उससे फल की चेष्टा आप मत करिए, आप जो आज पौधा लगा देंगे वो 10-20 साल बाद आपको फल देना शुरू कर देगा। इसलिए साथियों, हम सबको बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दिया, इतना बड़ा हथियार दिया है, हमें वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने जब हमें वोट का अधिकार दिया तो वोट का अधिकार हमें इसलिए नहीं दिया था कि हम अपने वोटों का गलत इस्तेमाल कर दें, अपने वोटों को 500 रुपए में कहीं दारू की बोतल में, कहीं पायल में, साड़ी में, बिरयानी में बेच दें। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया और जिस दिन वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया और उनके साथ रहने वाले सोहनलाल शास्त्री जी का लिखना है कि मैं अचंभित था
कि बाबा साहब अपने रूम में गए और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाबा साहब के चेहरे में मैंने 25 सालों में कभी भी हंसी नहीं देखी थी, मुस्कुराहट नहीं देखी थी। और मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, इस सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग गूगल में सर्च करो, कहीं बाबा साहब की एक भी मुस्कुराती हुई फोटो मिल जाए साथियों, कहीं भी आपको मुस्कुराती हुई बाबा साहब की फोटो नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा साहब उस दिन मुस्कुरा रहे थे और बाबा साहब से उन्होंने पूछा, बाबा साहब आज ऐसा क्या हो गया कि आप, मैं 25 सालों से आपके साथ में रहता हूं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी है? तो बाबा साहब ने एक लफ्ज कहा कि आज मेरे रानी के पेट का तब पटाया करेगा। अब इस देश का जो राजा पैदा होगा वो बोझ से पैदा होगा, ना कि रानी के। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हमको दे दिया। और ये भी कहा, मेरे बच्चों ये वोट बड़ा ही खतरनाक है, पावरफुल भी है। जिस वोट का अगर सही इस्तेमाल करोगे, माने कि वोट क्या है, वोट एक दुधारी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हथियार हमको दे दिया। और बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि जाओ मेरे बच्चों, आप अपनी दीवारों पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है। 1935 में कह दिया साथियों, और आज तक साथियों क्या हम शासक बन पाए? हम नहीं बन पाए साथियों, क्योंकि हम आज भी शासक बनने के हिसाब से काम नहीं करते। शासक बनने के लिए काम जितना करना चाहिए उतना काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया में रहते हैं। आज कितने लाइक मिल गए, कितने शेयर हो गए, बस उसी में टाइम खराब करते हैं। अगर मैं एवरेज देख लूं तो कम से कम एक नौजवान साथी मेरा 4 से 6 घंटे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में काम करता है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं करता। जब तक आप जमीन में काम नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। मैंने पहले कहा 2022 से लेकर 2025 तक ये बहुजनों का महासंग्राम है साथियों। महासंग्राम मैंने सत्ता का शासक के लिए बनने के लिए आपको संग्राम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी। और सेना खड़ी करने के लिए आप सबको पता है, कोई जंग होती है तो बिना सिपाहियों के बिना सेना के नहीं जीत सकते सकते। और सेना कौन हमारी है? आपसे मैंने पहले कहा है कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी बाद में है, ये मिशन और मूवमेंट पहले है सकते। इसलिए यहाँ पे जो भी पार्टी का जो कार्यकर्ता बनता है, जो भी सिपाही बनता है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ में इस पवित्र मिशन का सिपाही साथियों है। ये पवित्र मिशन मूवमेंट आज ऐसे नहीं बना है। आज कुछ बैरूपीय बोलते हैं, बहुत से बैरूपीय बोलते हैं, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कांग्रेस से पैसा लेते हैं, सिपाहियों से पैसा लेते हैं, बीजेपी वालों से पैसा लेते हैं, और एक काम करते हैं कि बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब को खंजर भोग, मानव साहब का नाम लेके मानव साहब के मिशन में खंजर भोग दो। अरे ऐसी सोच वाले क्या हमारे समाज का कल्याण कर सकते हैं? जो हमारा मिशन है ये पवित्र है, ये संघर्षों और बलिदान के बाद आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी वोट के हिसाब से सक्रिय है। और मैं दावे के साथ से कहता हूँ, बहुत से लोग इस पवित्र मिशन और मूवमेंट पार्टी को तबाह खत्म करने के लिए आए, वो खुद तो तबाह और खत्म हो गए, लेकिन मिशन और कारवा आज देख लिए उत्तर से लेकर साउथ तक आगे बढ़ रहा था। मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को जो हमारे मिशन और मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं। हजारों हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों गरीबों मजदूरों की आशाएं हैं। मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उनकी आंखों में आंसू आते हैं। जब मेरी बहनें आती हैं, जब मेरे लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, उनकी आंखों में आंसू होता है, और एक ही बात आशा के अंदर होती है, एक होप होती है कि काश मेरी पार्टी दिल्ली के शासन पे पहुंच जाए। और जिस दिन पहुंच जाएगी उसी दिन मेरे सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएगी, ऐसी आशा और विश्वास साथियों है। तो इसलिए साथियों आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, आप लोग सोशल मीडिया का काम करिए, लेकिन वो पार्ट टाइम,
लेकिन पार्टी का फिजिकल काम करिए, गांव-गांव में जाइए, मोहल्ले में जाइए, वार्ड में जाइए और बाबा साहब की अलग को जगाइए सर। जब बाबा साहब के अलग जगाएंगे, हम बाबा साहब के संविधान के बारे में बताएंगे, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताएंगे, अपनी वोट की ताकत के बारे में बताएंगे, मान्या बहन के संघर्षों के बारे में बताएंगे, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं इस देश में ऐसा कोई बहुजन समाज का लाल नहीं है जिसका खून खोल ना जा सकता, हर वक्त का खून खोलेगा और जिसका खून खोलेगा वही आपके मूवमेंट का और मिशन का सच्चा सिपाही होगा, और जिसका खून ठंडा है वो हमारे मिशन और मूवमेंट के लिए बेकार है साथियों। इसलिए साथियों मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोगों को निस्पक्षता के महासंग्राम को जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, मान्या बहन जी के आशीर्वाद से, मान्या बहन जी ने मुझे राज्यसभा भेजा और राज्यसभा जब मैं पहुंचा तो मैं आज भी देखता हूं कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, किस तरह से बहुजन समाज के लोगों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, जो अधिकार बाबा साहब ने हमको संविधान में दिए हैं उन संवैधानिक अधिकारों को इस केंद्र में बैठी सरकार जो पहले कांग्रेस की थी और आज भारतीय जनता पार्टी की है, ये दोनों सरकारें हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती सर, और ये धीमे धीमे खत्म भी कर रहे हैं। वो आप सब देख लीजिए अभी भी पार्लियामेंट के अंदर हल्ला मचता है, लेकिन 40-1 साजिश के तहत 2 बजे के बाद पार्लियामेंट चलती है, 2 से 5 के बीच में जो बहुजनों के जनहित में जो अधिकार बाबा साहब ने बना दिए हैं उनके खिलाफ बिल लाए जाते हैं और बिलों को पास किया जाता है, और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, बाकी दूसरी पार्टियां भी शामिल चाहती हैं जो बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। अब देखिए आज भी जनरल इंश्योरेंस बिल पास कर दिया गया, माने कि बहुजन समाज के लोग इन कंपनियों के अंदर, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के अंदर रिजर्वेशन के तहत नौकरी पा रहे थे, अब वो प्राइवेट हो जाए। आप सबको पता है रेलवे प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, बैंक बेच दी है, LIC बेच दिया है, कई सारी कंपनियां बेच दी है, वाईजेक स्टील जो आंध्र प्रदेश के अंदर है जिसने आज तक कभी घाटे में कोई काम नहीं किया है, 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट लेती है, 5 हजार दलित एम्प्लॉय है, 4800 OBC के भाई एम्प्लॉय गरीब लोग वहां पे हैं और 35 हजार कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं। इस कंपनी को 35 हजार करोड़ में ये सरकार बेचने जा रही है और उसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए है, 4 से 6 लाख करोड़ रुपए कंपनी 35 हजार करोड़ में कोई धन्ना से खरीद लेगा। इसलिए साथियों आपके अधिकारों पे हमला हो रहा है और आपके पास एक ही चारा है कि आप अपनी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को केंद्र तक और दिल्ली पहले फतेह करिए, दिल्ली पहले फतेह करिए और फिर हम लाल किला भी फतेह करेंगे साथियों, लाल किला फतेह करेंगे साथियों। इसलिए साथियों आप सब लोगों को पूरे जी जान से लगना पड़ेगा और लग करके हमारे मूवमेंट को, बाबा साहब की विचारधारा को, आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती पार्टी है जो बाबा साहब के विचारधारा पे चलती है, कोई भी पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है, माने कि बहुजन समाज पार्टी अंबेडकराइट पार्टी इस देश में एकलौती है। इसलिए आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है और बहरूपियों से आपको बच के रहना है। अगर आपके वोटों में सेंध हो गई, आपके वोटों में सेंध हो गई, 2022 से 2025 के बीच में आप इस देश में गुलाम बना दिए जाएंगे और ऐसे बहरूपीय आएंगे आपके बीच में आएंगे वो आपको बड़गड़ाएंगे। साथियों आपको बहकने की जरूरत नहीं है और आपको सिर्फ अपने सिंबल, अपनी नेता बहन जी पर विश्वास रखना है। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। पंच कुमारी मायावती। आवाज नहीं आ रही, आवाज इतनी आनी चाहिए कि लाल किला कांप जाए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।